हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहां पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, किस मेघ के निर्माण के साथ फूल गोभी जैसा आकार संबद्ध है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, स्तरी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा मेघ या पक्षाभ मेघ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपासी मेघ। तो कपासी मेघ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए, कोहरा, ओला, हिमपात, वर्षा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोहरा। तो कोहरा वर्षण का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास यहाँ पे, हिमपात का कारण इनमें से कौन सा है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिम कणों के रूप में वर्षण होने लगता है। दूसरा दिया है, जब वर्षा की बूंदें वायुमंडल से गुजरते हुए हिम कणों में बदल जाती है। तीसरा दिया है, जब संघनन कोहरे के रूप में होता है और हिम कणों के रूप में वर्षण होता है। और चौथा दिया है, जब वायु का तापमान धरातल के तापमान से अधिक नीचे हो। तो हिमपात का कारण क्या है इन चारों में से वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिम कणों के रूप में वर्षण होने लगता है। तो ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग से परावर्तित और विकिरण बराबर है 25%, 30%, 35% या 38%। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35%। तो 35% इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अब, सुपरसोनिक कोष्टक में है, ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान, विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है? तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है ऊंचाई, तापमान, पृथ्वी के घूर्णन या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो यहाँ चार ऑप्शन अब दिए हैं, 1, 2 एवं 3, 2 एवं 3, 1 एवं 2 या 1, 2, 3 एवं 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 एवं 3। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है इन तीनों चीज़ों पर। अगला प्रश्न दिया है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन, विकिरण, संवाहन या संचालन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिवहन। तो अभिवहन इसका राइट आंसर है यहाँ पे। अब अगला प्रश्न दिया है हमारे पास यहाँ पे, अल नीनो के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ तीन कथन दिए हैं, पहला है, यह प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, इसका नाम एक चाइल्ड क्राइस्ट भी है, तीसरा है, भारतीय मानसून इससे प्रभावित होता है।
तो असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो एक और दिया है यहाँ पे चौथा, यह पेरू के तट पर प्रभावित होता है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे दिया है चौथा। तो आप चार ऑप्शन दिए, एक एवं चार, दो एवं तीन, एक दो एवं चार, या सभी सत्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सत्य है। तो यहाँ जो चार कथन दिए हैं चारों के चारों ही क्या है, सत्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सत्य है, असत्य कथन कोई भी नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया है, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ है, पक्षाप कपासी, पक्षाप स्तरी या स्तरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षाभ। तो पक्षाभ इसका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं अब हम प्रश्न, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रारंभिक वातावरण में नहीं था पृथ्वी पर। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास यहाँ, चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है विषुवत रेखा पर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, या 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ, प्रश्न दिया है निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। तो चार कथन दिए हैं, पहला है विषुवत रेखा पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा उत्तरी पश्चिमी होती है, तीसरा है गरजने वाली चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है, और चौथा है ग्लोब पर पवन व्यवस्था पूर्णतः पृथ्वी की गति से संचालित है। तो चार ऑप्शन दिए, एक एवं चार, दो एवं चार, दो तीन एवं चार, या तीन एवं चार। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो एवं चार। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा और चौथा ये असत्य कथन है, बाकी पहला और तीसरा सत्य है। अगला प्रश्न दिया है अब, प्रश्न है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता है। तो चार ऑप्शन दिए है, तुंगदा, पृथ्वी का घूर्णन, वर्षण या ताप। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्षण। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्षण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अब दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए हैं यहाँ पे, फौन वात एक उच्च वेग वाली अतिशील तथा शुष्क पवन है जो तापमान को हिमांक से नीचे ले आती है, और दूसरा है मिस्ट्रल एक तीव्र झोंकेदार शुष्क तथा गर्म पवन है जो पर्वत श्रेणी की प्रति पवन दिशा में बनती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन में दिए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न ही एक न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न ही एक और न ही दो। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन दिए हैं दोनों ही सही नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, गलत है। अगला प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए फिर से, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है, और दूसरा कथन दिया है, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान परिसर अधिक होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है हमें वो बताने हैं। तो केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, न ही एक और न ही दो। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। तो जो सिर्फ पहला वाला कथन है वही यहाँ पे क्या है, सही है, बाकी दूसरा वाला कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न आप जोड़ी के रूप में दिया है एक। तो प्रश्न यहाँ पे है, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो एक सूची में तो जलवायु की किस्म दी है और दूसरी सूची में उनके क्षेत्र दिए हैं। तो जलवायु की किस्म में है विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसून, सवाना, और क्षेत्र में दिया है कैलिफोर्निया, बांग्लादेश, सूडान और कांगो। अब हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो पहले हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं, फिर इसको जोड़ी को मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से हम इस सही जोड़ी को मिलाएंगे, यानी कि विषुवती को मिलाया जाएगा कांगो से, उसके बाद भूमध्य सागरीय को मिलाया जाएगा कैलिफोर्निया से, मानसून को मिलाया जाएगा बांग्लादेश से, और सवाना को मिलाया जाएगा सूडान से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में या मानसून प्रदेशों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषुवतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है अब, प्रश्न दिया है वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो प्रेरिज, लानोस, पंपास या डाउन्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लानोस। अगला प्रश्न है किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को कहते हैं, जलवायु, ऋतु, पर्यावरण या मौसम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मौसम। तो मौसम इसका राइट आंसर है यहाँ पे। अब आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन एक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वेस्ट इंडीज या भारत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।